हेलो स्टूडेंट, दिस इज के भटिया। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विथ चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10 CBSE द सर्मन एट बनारस। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेल दैट बनारस इज ए होली प्लेस वेयर वेयर देर आर मेनी सेज just make their place to sit and give the places as like Kabir, Ramananda and so on many. As same as in that particular cities, Gautam Buddha also get enlightenment under the tree of Bodhi. In this way you can understand that the Banaras is one of the ancient city of the world. It is famous for Ganga as well as Vishwanath temple. Dear friends, today in this lesson I am going to explain more about Gautam Buddha. You know well that Gautam Buddha, whose name was Siddhartha Gautam, just born in northern India, and he spent 25 years life very happily. But after that, he just went to search the enlightenment. What is the reason of the misery in the human life? So dear student, now see the paragraph. Gautam Buddha was born in 560 before Christ and died in 483 before Christ. Began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. You know well that he started his life as prince, full of luxurious. So in beginning unka jo naam tha Siddhartha Gautam tha. In northern India, he was born in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a principal. When he became 12 years old, जब वो 12 साल के हुए, he was sent for schooling. तो उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया. पहले की जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो ऐसी नहीं थी. लोग जाते थे और गुरु आश्रम गुरुकुल होता था, वहाँ लोग पढ़ते थे. तो वहाँ पर वो हिंदू सेक्रेट स्कल्पचर्स, जो पवित्र ग्रंथ हमारे हैं, उसका उन्होंने अध्ययन किया. एंड आफ्टर 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन एट द एज ऑफ 16 ही वाज मैरिड विथ ए प्रिंसेस. एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंस हियर, They had also a son and lived for 10 years of befitted royalty. He spends a very happily. At the age of 25, he spends his life very happily. There is no sadness in his life. He just away from all the suffering world. तो रॉयल्टी एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस ही हैड टू प्रोसेल्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ही वॉज कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. अर्थात आप कह सकते हो कि उनको बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि दुनिया में दुख भी होता है. वाइल आउट ऑफ हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन. अब ये दुखों से उनकी मुलाकात होती है 25 साल के बाद, जब एक बार वो शिकार करने के लिए जाते हैं. तो चांस अपान ए सिक मैन, तो एक बीमार आदमी को देखते हैं. देन एन एज्ड मैन, फिर एक ओल्ड आदमी को देखते हैं. देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद देखते हैं कि चार लोग, एक व्यक्ति जो जो जिसका डेथ हो गया है, उसको चार लोग ले जा रहे हैं अर्थी पे. एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर हेल्प, और फिर वो देखते हैं एक भिक्षु को, एक मॉन्क को, जो भीख मांग रहा है, जो अपने पेट को भरने के लिए लोगों से भिक्षाटन कर रहा है.
ये जो फोर साइट उन्होंने देखा, एक तो उन्होंने देखा कि एक सिक मैन को देखा, दूसरा ओल्ड मैन को देखा, तीसरा उसने फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उन्होंने लास्ट में देखा एक मांग को देखा। दिस साइट सो मूव्ड हिम, ये जो दृश्य था डैट इज चेंज इट कम्प्लीटली बिकॉज ही थॉट दैट वाई सच टाइप ऑफ कंडीशन केम इन हिज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू इनलाइटमेंट, और उसी क्षण वह उस भौतिक जो भौतिकतावादी संसार था जो सुख और ऐश्वर्य से भरा हुआ था उसको उन्होंने छोड़ दिया और सीक एनलाइटमेंट और ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज जहाँ जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज वेयर वी एबल टू नो व्हाट इज लाइफ एंड हाउ विल वी अवे फ्रॉम ऑल द मिजरी, कैसे हम दुनिया के दुखों से दूर होंगे। सच टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इन कंसर्निंग द सारोस, जो रिलेटेड टू द सारो ही हैड विटनेस्ड, जिसको वो जानना चाहते थे, जिसको वास्तव में वो समझना चाहते थे। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, देन आफ्टर ही सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री वेरी ओल्ड, जहाँ उन्होंने शपथ लिया, वेरी ओल्ड जहाँ उन्होंने शपथ लिया, किस चीज़ का शपथ लिया, वॉज अंटिल इंटाइटल्ड केम, जब तक उनको इस चीज़ का पता नहीं चल जाता कि वास्तव में ज्ञान क्या है, वास्तव में सत्यता क्या है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो होता है क्या है, कैसे हम इन सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं, ये जो चीज़ें भौतिकवादी जो चीज़ें हमारे जीवन में है इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं, जब इन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी तब जा करके उन्होंने कसम लिया कि मतलब जब तक उनको इनलाइटेड में मिल जाए तो ये नहीं समझ में आता कि वास्तव में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है, तब तक इस पेड़ के पास ही वो उठोगे नहीं। इनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज, देखिए ये चमत्कारी कहा जाएगा, आफ्टर 7 डेज तप करने के बाद अचानक उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, और उन्होंने उस पेड़ का नाम दिया बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट ही लर्न्ड, व्हाट ही गेन देयर, ही जस्ट स्टार्टेड टू गिव प्रीच, ये लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए, जो उन्होंने प्राप्त किया उन लोगों को समझाना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, इस तरह से उनको लोग बुद्धा के नाम से जान गए, जिसका मतलब अवेकेन, जगाने वाला या ज्ञान देने वाला। द बुद्धा प्रीचेज इज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, सरमन का मतलब होता है जो प्रीचेस, प्रेयर होता है प्रार्थना, सरमन द प्रीचेस, यानी जो हम प्रीच देते हैं, जो उपदेश देते हैं उसको हम बोलते हैं सरमन। नौसी द मोस्ट होली ऑफ द डिपलिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस, और यू कैन सी हियर दैट बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन, हिज फर्स्ट रिलीजियस प्लेसेस एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ डिपलिंग प्लेस, मतलब ये कैसा ऑन द रिवर गंगास, यानी सबसे पवित्र गंगा का जो घाट है जहाँ आप लोग नहाते हैं उस घाट पे उन्होंने सरमन पहला अपना प्रवचन दिया। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व, आज भी उस सरमन को वहाँ प्रिजर्व किया गया है, उसको रखा गया है एंड इज गिवन हियर, जिस जो सरमन उन्होंने दिया था, जो उन्होंने उपदेश दिया था वो नीचे आपको दिया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, यहाँ उन्होंने बताया है कि एक हियर रिफ्लेक्ट बुद्धा, यहाँ बुद्धा के विजडम को दर्शाता है अबाउट वन, एक ऐसे प्रकार के सफ़र के बारे में जो समथिंग विच कैन, जिसको समझा नहीं जा सकता, दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ डेथ, ये मिस्ट्री ऑफ डेथ थी जिसको समझा नहीं जा सकता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर परिलक्षित होती है। नाउ कम ऑन द टेक्सटुअल एक्सरसाइज, कीसा गोमती हैड एंड ओनली सन, अब आप देख सकते हैं जो कीसा गोमती है उसके पास एक ही साल है, एक ही लड़का था एंड ही डाइड, और वो मर जाता। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, इन हर ग्रीफ
दुखी होकर के वो पिसा गोमती अपने बच्चे को गोद में लेकर के हर पड़ोसी के पास जाती है. आक्सिन देम फॉर मेडिसिन. सी आक्स एक इंक्वायरी अबाउट मेडिसिन एंड पुअर एंड पीपल से सी हैज लॉस्ट हर सेंस द बॉय इज डेड. लोग कहते थे शायद ये बच्चे के प्यार में पागल हो गई है और या इसने अपना सेंस खो दिया है कि बच्चा द चाइल्ड इज नो मोर. एट लेंथ किसा गोमती मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. एक आदमी से मिली जो उसने जो उसको रिप्लाई दिया आई कैन नॉट गिव थ्री दी मेडिसिन. थी मतलब यू. तो कह रहा मैं तुम्हें दवा तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे को बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो आपके बच्चे का इलाज कर सकता है. एंड अ गर्ल सेड प्रे टेल मी. कृपया मुझे बताइए हु इज इट कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा. यानी बुद्धा इज नोन इन बनारस एज शाक्य मुनि. किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. वो पहुँचे वहाँ रिपेयर वेंट टू. ठीक है स्टाइलिक यूज वेंट टू मतलब किसा गौमती जो है वहाँ पहुँचती है. एंड एंड क्राइड बुद्धा लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन डैट विल क्योर माई. कहती है कि मुझे वो दवा दीजिए ताकि मेरे बच्चा ठीक हो जाए. बुद्धा आंसर आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. एंड विन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट. जब वो जब किसा गोमती जब सुनती है तो खुश हो जाती है कि भाई इन्होंने एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड मांगा है सरसों का दाना मांगा है तो आसानी से उसको ले आकर के दे सकती है. प्रोक्यूर इट वो मस्ट प्रॉमिस टू उसको लाने के लिए वादा करती है. बट बुड्ढा एडेड मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड. कहता है कि लेकिन आपको ऐसी जगह से लाना है जहाँ जिसने किसी बच्चे को ना खोया हो जिसका कोई पति ना मरा हो जिसका कोई पेरेंट ना मरा हो ऐसे घर में अर्थात यू आप कह सकते हो अर्थात ऐसे परिवार से जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है. किसा गोमती नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पीटेड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड. देन किसा गोमती स्टार्ट वो घर 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 जाती थी लोग उस पर दया दिखाते थे उसको लोग मस्टर्ड देने के लिए तैयार हो जाते थे. बट वेन सी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली. पूछता है कि आप परिवार में कोई मरा है. दे आंसर हर एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. जीवित बहुत कम लोग बचे हैं लेकिन मरे वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है. एलास द लिविंग आर फ्यू एंड डू नॉट रिमाइंड हर्स फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ. कहते हैं कि भाई मुझे मेरे गहरे घाव को कुदेरो मत कुरेदो मत फिर से उसको रिमाइंड मत कराओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड. कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो. किसा गोमती बिकेम वेरी एंड होपलेस. वो थक गई थी निराश हो गई थी. एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी. वो बैठ जाती है शहर के प्रकाश को देखती है. एज दे फ्लिकर्ड अप देखती है कैसे लोग फ्लिकर्ड ये जो कीड़े होते हैं आते हैं डिस्टिंग्विश अगेंस्ट और लाइट कैसे जलते दिए जो होते हैं वो कैसे जलते हैं फ्लिकर्ड करते हुए एंड डिस्टिंग्विश अगेन और पूछे बुझ जाते हैं. यानी अगर दीपक चलाओगे तो क्या होगा जब बुझने होगा तो भभकता है और भभकने के बाद क्या होता है बुझ जाता है. तो लिविंग बट द डेड आर मैनी डू नॉट रिमाइंड सॉरी एंड वी आर डिस्टिंग्विश अगेन. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेगेन रेन एवरीवेयर. फिर जो अंधेरा चारों तरफ छा जाता है. एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन. उसने एडमिट किया कि यही किस्मत है मनुष्य का. एंड देयर लिप्स फ्लिकर अप एंड आर डिस्टिंग्विश अगेन. कि मनुष्य पैदा होता है और लव की तरह से भभकता है ऊंचाई पर जाता है और पुनः खत्म हो जाता है. एंड सी थॉट ऑफ हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रुप. तो स्वयं वो सोचती है कि वो अपने स्वार्थ में कितनी स्वार्थ अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी. डेड इज़ कॉमन टू ऑल. अरे मृत्यु सबके लिए कॉमन है. एड टू द वैली ऑफ डिसोलेशंस देर इज़ ए पाथ एंड लीड हिम टू इमॉर्टली. केवल यही एक रास्ता है कि दुनिया से अलग होने के लिए और इमॉर्टलिटी जो अमृत है उसको प्राप्त करने का वो है सरेंडरिंग ऑल सेल्फिशनेस और अपने सारे स्वार्थ को वो छोड़ के आगे बढ़ जाती है. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड
इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बताते हैं जो जीवन हमको मिला हुआ इस दुनिया में ये दुख से डर से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। ऐसा कोई नहीं दुनिया में है जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु न हो। एंड रेसिंग ओल्ड एज जो बूढ़ा न हो, देयर इज डेथ और मृत्यु न हो। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग। तो इस प्रकार के जो प्रकृति है उसी के साथ हम लोग जीते हैं। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजरस आर फॉलिंग। जैसे पका हुआ फल होता है उसको खतरा ज़्यादा होता है। सो मॉर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज बी डेंजर ऑफ डेथ। इसलिए दुनिया में जो आया है उसके ऊपर मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर। जैसे कुंभकार होता है सारे बर्तन को बनाता है। इन एंड इन बिगनिंग ब्रोकन, ठीक है, और उसका भी वो टूट जाता है, उसका एंड हो जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। और ये जीवन भी ऐसे ही है। बोथ एंड यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स आर दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, सबको मौत के आगोश में जाना है। और सबका उद्देश्य, सबका जीवन का लक्ष्य मृत्यु ही है। आप दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ऐसे लोग जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो दुनिया से अलग हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। आप दोज हु ओवरकम बाय डेथ, कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा हो, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। कोई ऐसा फादर नहीं जो बच्चे को संभाल सके, या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो अपने रिलेटिव को बचा सके। मार्क वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन, और रिलेटिव जब देखते हैं एंड लेमेंटिंग डीपली रोते हैं, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड आउट, तो सोचते हैं कि एक के बाद एक सबको दुनिया से चले जाना है। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक बैल होता है उसको लोग स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं, उसको काटते हैं, फिर दूसरे बैल को जाना पड़ता है। इससे लाइफ भी हमारी ऐसी है, एक जाता है फिर दूसरे का नंबर लग जाता है। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिकेटेड विथ डेथ एंड डिके। ये संसार पूरी तरह से मृत्यु से भरा हुआ, इसका अंत निश्चित है। देयर द वाइज डू नॉट ग्रीव। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो दुख के महत्व को, टर्म कंडीशन को जानते हैं, जो टर्मोलॉजी को समझते हैं, वो दुखी नहीं होते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नार फ्रॉम ग्रीविंग ऑल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोग जो जिनको मानसिक शांति मिल जाती है, जो सच्चाई को समझ जाते हैं, वो रोते या दुखी नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इज पेन विल बी ग्रेटर देन इज बॉडी विल सफर, क्योंकि उनका जो दर्द होता है वो बड़ा हो जाता है, उनकी बॉडी जो बर्दाश्त करती है, अर्थात वो रियलिटी को समझ जाते हैं। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, ठीक है, वह स्वयं को बीमार नहीं करते। एट द डेड आर नॉट सेड बाई हिज लेमेंटन। अगर हम रोते गाते हैं तो क्या उसे मौत को बचा सकते हैं। ही हु सिक पीस शुड ड्रा आउट ऑफ एरो ऑफ लेमेंटेशन। ऐसे लोग जो शांति चाह खोजते हैं, वो लोग इस प्रकार के दुखों से दूर हो जाते हैं, कंप्लेन नहीं करते, दुखी नहीं होते। ही हु हैज़ ड्रान आउट ऑफ एरो एंड बिकम द कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ये लोग सब लोग इस दुख से दूर हो जाते हैं और अपने मन में एक शांति को स्थान देते हैं। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारो विल बिकम प्री फ्रॉम सारो। ऐसे लोग जो विजय दुख पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, वास्तव में दुनिया में सारे दुखों से वो दूर हो जाते हैं एंड बी ब्लेस्ड। और ये उनका सरबंध था, वो सबको आशीर्वाद देते हैं और जीवन के मूल्य को समझाते हैं। अर्थात कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी रो ले किसी रिलेटिव को वापस नहीं ला सकता। अगर जिसकी डेथ हो गई वो पुनः वापस नहीं आएगा, उसका जाना निश्चित है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। आई एक्सप्लेन द होल लेसन एज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मिक्स। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।